हाँ जी, तो सत श्री अकाल मेरे प्यारे दोस्तों, स्वागत है प्लेटफॉर्म पंजाब क्लासेस जलालाबाद। तो अज असी थोड़े लिए बहुत ही वधिया सैशन स्टार्ट करन जा रहे हैं, जिदे विच असी तुहानू पीएस टेट वन दे जिन्ने पुराने पेपर अज तक मार्च 2023 तो लैके 2011 तक जिन्ने पेपर अज तक हुए ने सारे करवाए जाणगे, ते जिदे विच मैं तुहानू ईवीएस विशा पढ़ाऊंगा। ते अज आपां मार्च 2023 दे विच जिहड़ा पिछे पेपर होया सी वो डिस्कस करांगे। पेपर बहुत हाई लैवल दा सी, तां अज असीं मार्च 2023 दे विच जिहड़ा पेपर होया सी उहदे विच जिहड़ी ईवीएस आई सी उहनूं स्टार्ट करदे आं। तां सब तो पहलां जिहड़ा साडे कोल पहला क्वेश्चन है कि हेठ लिखे कथनां विचों किहड़ा जैविक खाद लई सही नहीं है। तां हुण जिहड़े इस तरह दे क्वेश्चन हुंदे ने तां उह सानूं हल करन दे लई उस टॉपिक दे विचों जिहदे विचों क्वेश्चन आया उह टॉपिक बारे प्रॉपर नॉलेज होनी बहुत जरूरी है। तां सब तो पहलां सानूं पता होना चाहीदा है कि जैविक खाद की हुंदी। अजकल बहुत ज्यादा डिमांड वध गई है ऑरगैनिक फार्मिंग दी, ऑरगैनिक फर्टिलाइजर दी। जदों गल्लां आउंदियां ने तां सब तो पहलां ऑरगैनिक खाद की हुंदी, जदों ऑरगैनिक खाद की गल असीं करदे हां तां साडे घरां दे विच आम ही सब्जियां दे छिलके मिल जांदे ने जां फ्रूट के छिलके होंगे ने, तो उन्होंने तो भी असी जैविक खाद बनाते हैं, या फिर असी पशुओं का जोड़ा वेस्ट हूँ उन्होंने भी असी जैविक खाद के रूप में वरतते हैं। तो इस करके असी सब तो पहला देखते हैं, पहला जोड़ा पॉइंट है साढ़े को मिट्टी की पानी रखने की समर्था बताती है। बिल्कुल जी, ये मिट्टी की की है पानी रखने की समर्था बता देती है। इस पौद्या के सारे पौष्टिक तत्वों का संतुलन हूँ, इनू आप बाद देखते हैं। ये मिट्टी नूं ह्यूमस प्रदान करती है, बिल्कुल जदों असीं जैविक खाद मिट्टी के अंदर पा दें तो वह मिट्टी के अंदर की कर देता है, गर्मी पैदा कर देता है। ये भी साढ़े को सही है जी। ये मिट्टी की बनतर नूं सुधारती है, ये मिट्टी की है उपजाऊ शक्ति नूं सुधार देती है, ये भी सही है जी। तो फिर साढ़े को जिहड़ा गलत ऑप्शन बनेगा वह बनेगा जी बी। इन्हां विच कहिंदा है जिहड़े पौद्या पौष्टिक तत्वों का जिहड़ा संतुलन हुंदा है, मतलब कि संतुलन नहीं हुंदा, इस करके साढ़े को जिहड़ा गलत ऑप्शन बनेगा वह बी बनेगा। इस तो अगे असी देखते हैं नैक्सट क्वेश्चन, कहिंदा है हेठ दिते कथनां नूं पढ़ो, बीजा नूं उगण लई नमी दी लोड़ हुंदी है। बीजा नूं उगण लई की कहिंदा है, नमी दी लोड़ हुंदी है। बिल्कुल सही गल है जी, जदों असी बीज बीजदे हां नवा बीज तां सब तो पहलां असी मिट्टी दे थल्ले टोया पुट के देखते हां कि उहदे अंदर नमी है, नमी दी मात्रा किन्नी कु मौजूद है, कि बीज उगण दे लायक है जी कि नहीं। तां पहली ऑप्शन है जिहड़ी साडे कोल सही हो जाऊगी। दूसरी है पौधे पौष्टिक तत्वों को ज्यादातर घुले हुए रूप में जजब कर सकते हैं। हुण जिहड़े पौधे ने वो अपना जिहड़ा भोजन ने वो लैंदे ने लिक्विड फॉर्म च, मतलब कि घुले हुए पदार्थ के रूप में लैंदे ने। दूसरी ऑप्शन भी साढ़े को सही होगी। तीजा कहिंदा सिंचाई फसलों को ठंड और गर्म हवा दी तरावां तो बचाऊंगी। हुण जदों असी पौधे जां फसलों को पानी लगा देंगे तो की वह फसल नूं गर्मी जां सर्दी तो हवा तो बचा सकती है? नहीं बचा सकती, तो यह गलत हो जूगा जी। तो लास्ट है सिंचाई नाल मिट्टी की बनतर भी सुधार होता है, ये भी साढ़े को ऑप्शन है जो गलत हो जूगा। जो करैक्ट आंसर साढ़े को होगा ए ते बी, ए आंसर साढ़े को करैक्ट हो जूगा। नैक्सट असं देखते हैं, कहिंदे ने मिट्टी नूं ढिल्ला करन ते खरादन की प्रक्रिया नूं की कहा जाता है? मिट्टी नूं ढिल्ला करन ते खरादन की प्रक्रिया नूं असीं कहिंदे आ जोतना अते हल बाउणा, जोतना अते हल बाउणा। सी ऑप्शन साढ़े को सही हो जाऊगा जी। नैक्सट, इन्हां विचों किसी अनुहोंद विच पत्तियां विच प्रकाश संश्लेषण नहीं होगा? हुण मैं पहला तुहानूं इहदे बारे थोड़ा जिहा आंसर दस देना, इहदा आंसर होगा जी क्लोरोफिल। हुण प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया की होंदी? हुण जदों असीं प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया की परिभाषा की जां डेफिनेशन की गल करते हैं तो असीं सौखे जिहे शब्दों विच इह गल कह सकते हैं कि पौद्यां विच पाणी, प्रकाश, क्लोरोफिल अते कार्बन डाइऑक्साइड की मौजूदगी विच कार्बोहाइड्रेट के निर्माण नूं असीं की कहिंदे आ? प्रकाश संश्लेषण कहिंदे। तां जदों प्रकाश संश्लेषण एक क्रिया प्रक्रिया हुंदी किस तरह? हुण पौधे जिहड़े ने अपना भोजन आप तैयार करदे ने और प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया राहीं करदे ने। हुण प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया किस तरह लागू हुंदी है? जदों असीं देखदे हां कि पौधे की ने साडे वायुमंडल तो की लैंदे ने कार्बन डाइऑक्साइड, साडे वायुमंडल तो मैं कैमिकल नेम च लिख रहा कार्बन डाइऑक्साइड, प्लस धरती तो की लेंदे ने पानी, धरती तो की प्राप्त करते ने पानी, नाल दी नाल उन्हां नूं भोजन तैयार करने लई ऊर्जा की लोड़ हुंदी है। ऊर्जा कित्थों प्राप्त करते ने? सूरज तो, रोशनी तो। तां
रोशनी कितों मिलती है, प्रकाश कहड़ा है सूर्य तो मिलता है, नाल दी नाल उन्होंने पत्तियां क्लोरोफिल नाँ का जरा रसायन है वह पहला ही मौजूद होंगे। तो निर्माण किदा करते हैं ग्लूकोज का। हूँ ग्लूकोज का कैमिकल नेम की है, O6H12 ते O6, C6H12 O6। तो नाल दी नाल की कर देते हैं, पानी ते ऑक्सीजन रिलीज कर देते हैं, छड़ देते हैं, पानी ते ऑक्सीजन रिलीज कर देते हैं, ठीक है जी। ते नाल दी नाल आपां नूं इत्थे भी जानना होगा क्लोरोफिल का जिहड़ा कैमिकल नेम है वह हैगा बच्चे C55H72O5N4MgMg। ता इस करके साढ़े को जिहड़ा क्लोरोफिल है वह बी ऑप्शन ठीक हो जूगा। नेक्स्ट नेक्स्ट देना हेठ लिखे कथनों चो केड़ा सही है। हुण कहिंदा सारे पौधे अपना भोजन खुद तैयार करते हैं, हरे पौधे ने जिहड़े अपना भोजन खुद तैयार करते हैं। बिल्कुल सही गल है, जिहड़े हरे पौधे ने वो अपना भोजन आप तैयार करते हैं, आटोट्रॉफ होंगे। ते ज्यादातर जानवर आटोट्रॉफ होंगे, प्रकाश संश्लेषण लई कार्बन डाइऑक्साइड की लोड़ नहीं। हुण आपां पिछे जे पढ़िया क्वेश्चन कि पौधे की ने वायुमंडल तो कार्बन डाइऑक्साइड लैंदे ने, ऑक्सीजन की है छड़ते हैं, पौधे की करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड कार्बन डाइऑक्साइड वायुमंडल तो लेंदे ने तो ऑक्सीजन की है छड़ देंगे ने। हुण इत्थे लिखा प्रकाश संश्लेषण क्रिया लई कार्बन डाइऑक्साइड की लोड़ नहीं होंगी। बिल्कुल लोड़ होंगी है, क्यों नहीं होंगी, तो यह साढ़े को गलत हो जूगा जी। प्रकाश संश्लेषण क्रिया दौरान ऑक्सीजन मुक्त हो जाएगी, पौधे की ने कार्बन डाइऑक्साइड लेंदे ने तो ऑक्सीजन छड़ देंगे ने, मुक्त हो जाती है, बिल्कुल ठीक है जी। हुण साढ़े को जिहड़े दो ऑप्शन का ठीक होगी। हुण सैकेंड ऑप्शन है ज्यादातर जानवर आटोट्रॉफ होंगे। हुण साढ़े को की है, जो असं ऑटोट्रॉफ या हैटरोट्रॉफ की गल करते हैं, तो जो असं टाइप ऑफ प्लांट की गल करते हैं, पौधे दो प्रकार के होंगे ने। एक होंगे ने आटोट्रॉफ, आटोट्रॉफ आटोट्रॉफ जिन्हों असं कह दें पंजाबी दे विच स्वैपोषी, स्वैपोषी। तां स्वैपोषी वह पौधे होंगे ने जिहड़े अपना भोजन खुद तैयार करते हैं, जिहड़ा अपना भोजन आप तैयार करते हैं वह कहड़े होंगे ने स्वैपोषी। ते हैटरोट्रॉफ, हैटरोट्रॉफ जिहड़े परपोषी जिन्हों असी पंजाबी च कह दें परपोषी, जिहड़े अपना भोजन आप तैयार नहीं कर पाते, दूजिया से डिपेंड होंगे ने, जिहड़े दूजिया से अपने भोजन लिए डिपेंड होंगे ने, वह होंगे ने परपोषी। फॉर एग्जाम्पल के तौर पर तुसी कह सकते हो फंगस जिन्हों तुसी उल्ली कहिंदे जी, अमरवेल जिहदे जिहड़े पत्ते ने वो पीले रंग दे हुंदे ने, जो वो दूसरे पौधे तो ही अगे अपनी ग्रोथ करता है, अमरवेल, अमरवेल। ते नाल दी नाल असीं एग्जाम्पल के तौर पर यह भी कहें वीनस फ्लाई ट्रैप जिहड़ा कि कीटां नूं खा के अपनी ग्रोथ करता है, कीटां नूं खा के अपनी की है ग्रोथ करता है, वीनस फ्लाई ट्रैप। इस तरह के बहुत सारिया एग्जाम्पलां ने, जदों आपां प्लांट लैसन करांगे उहदे विच सारा पूरा डिटेल नाल करांगे। वीनस फ्लाई ट्रैप, फ्लाई ट्रैप। हुण जदों असीं गल करदे हां कि ज्यादातर जानवर आटोट्रॉफ हो सकते हैं, तां साडे कोल इह वी ऑप्शन गलत हो जाऊगी। क्यों? क्योंकि हुण ज्यादातर जानवर ने जिहड़े वो अपने भोजन लई दूजे ते डिपेंड होंदे ने, इस करके जानवर तां हुंदे ही हैटरोट्रॉफ ने, ऑटोट्रॉफ हो ही नहीं सकते। तो कहिंदा ज्यादातर जानवर ने, इह वी साडे कोल गलत हो जाऊगी। फर्स्ट एंड फोर्थ है जिहड़ा वो साडे कोल सही हो जाए, इस करके साडे कोल जिहड़ा सही ऑप्शन बनूगा वो ए बनूगा। इस तो अगे कहिंदा है अनुष्का जानवर की हत्या किते बिना जानवरों तो प्राप्त फाइबर तो बनिया तोहफा खरीदना चाहती सी, इन्हां विचों किहड़ा सही तोहफा होगा। हुण जदों असी फाइबर एनीमल की गल करते हैं तो साडे सामने भेड़, बकरी, ऊंट जां याक तो असी की उन प्राप्त करते, हुण जिहड़ा सही जिहड़ा ऑप्शन बनूगा वह साडे कोल बनूगा ऊनी छाल, क्योंकि जानवर की हत्या किते बिना ही जिहड़ा उहनूं की है ऊनी छाल है जिहड़ी वो प्राप्त हो जाऊगी, ऊन है जिहड़ी सानूं बिना जानवर की हत्या किते ही प्राप्त हो जाती है। इन्हां एग्जाम्पल जिहड़ियां मैं तुहानूं दस्सियां ने इन्हां जानवरां। तां अगे असीं देखते हैं नैक्सट क्वेश्चन, कहिंदा पौद्यां विच जिनी जिनसी जिहड़ा प्रजनन है हेठ लिखियां विचों किहड़ा सही, पौधे बीजां तों प्राप्त किते जांदे आ। हुण इन्हां ऑप्शनों पढ़न तो पहला सानू यह पता होना चाहिए कि
रिप्रोडक्शन इन प्लांट पौद्या प्रजनन जी प्रक्रिया वह किस तरह की। हुण पौद्या जो जिनसी प्रजनन है वह दो टाइप न होंगे, एक होंगे सैक्सुअल मैथड तो दूजा होंगे आसैक्सुअल मैथड। आसैक्सुअल मैथड जिन्होंने तुम अलिंगी प्रजनन कह लो, तो दूजा होंगे सैक्सुअल मैथड जिन्होंने तुम लिंगी प्रजनन कह लो, आलिंगी तो लिंगी प्रजनन, आलिंगी लिंगी। हुण पौद्या भी ये दो टाइप नाल होंगे। हुण जो असीं अलिंगी की गल करते अलिंगी के अंदर तुम कई पौधे देखे होने जी, जिमें कि तुम एक वैजीटेटिव प्रोपीगेशन जिन्होंने तुम बनस्पति प्रजनन कहते हो, जिमें तुम किसी चीज़ की टाहनी कट के उन्होंने कलम के रूप च यूज करते हो, जिमें गुलाब के फुल की जी टाहनी कट के कलम लगाई जाती है तो रिप्रोडक्शन होंगी है, मतलब कि प्रजनन होंगे, दूजी प्रजाति पैदा होंगी है। इस तरह ही बायोफाइलम नाँ का एक पौधा है जिहड़ा पत्तियां तो रिप्रोडक्शन करता है, बायोफाइलम नाँ का पौधा है। इस तरह जो सैक्सुअल मैथड की गल आती है तो जिहड़े फुलां वाले पौधे ने जिन्हां पौद्यां ते फुल आउंदे वो की है सैक्सुअल मैथड राही, हुण उहदे विच की हुंदा है जिन्हां पौद्यां ते फुल हुंदे ने, हुण वह फुल है जिहड़ा वह दो टाइप च डिवाइड हुंदा है, एक पार्ट हुंदा मेल ते एक हुंदा फीमेल, एक मेल ते एक फीमेल। हुण जिहड़ा फीमेल पार्ट हुंदा उहनूं असीं की कहिंदे आ, उहनूं असीं कहिंदे आ पिस्टल, पिस्टल जिहनूं असीं पंजाबी च की कहिंदे आ इस्त्री केसर, इस्त्री केसर। तो जिहड़ा मेल पार्ट हुंदा उहनूं असीं की कहिंदे आ स्टैमन, स्टैमन जिहनूं असीं पंजाबी च की कहिंदे आ उकेसर, उकेसर। हुण इहदे जिहड़े मेल दे परागण कण ने जो फीमेल दे परागण कारण दे नाल मिल जाते हैं तो इस प्रक्रिया नूं असीं की कह दिंदे आ पोलीनेशन। तो यह पोलीनेशन कई तरीकों नाल हो सकती है, ये पोलीनेशन हवा राही भी हो सकती है, ये पोलीनेशन जिवें तितली बैठ गई इहदे मेल पार्ट ते उह जाके किसी फीमेल पार्ट ते बैठ गई उहदे नाल भी हो सकती है, यह पोलीनेशन है जिहड़ी वह कीड़िया मकौड़िया राही भी। तो जो असी फिर हुण असीं जांदे आ ऑप्शन, बाकी असी जो रिप्रोडक्शन इन प्लांट लैसन करांगे उहदे विच असीं डिटेल नाल पढ़ांगे। तां हुण असीं जांदे आ ऑप्शन, पौधे बीजां तों प्राप्त कीते जांदे आ, बिल्कुल सही गल है, पौधे की है बीजां तों प्राप्त कीते जांदे ने। दो पौधे हमेशा जरूरी होंदे ने, यह जरूरी नहीं कि दो पौधे नाल नाल एक दूजे दे होण तां ही उहनां दा जिनसी प्रजनन होएगा, नहीं तां अदरवाइज नहीं हो सकदा, यह बिल्कुल गलत है जी। ते तीसरा परागण तों बाद ही खाद पैदा हो सकती है, यह बिल्कुल मैं तुहानूं कहा जी पोलीनेशन की प्रक्रिया है वह परागण कणा के एक दूजे के जो मिलन नाल ही हो सकती है, वैसे नहीं हो सकती, ये भी साढ़े को सही हो जूगा। तो चौथा सिर्फ कीड़िया राही परागित करने के कारक, मैं तुम्हें दसिया कि जेडे पोलीनेशन है वह हवा राही भी हो सकती है, कीड़िया राही भी हो सकती है, मान लो जिमें कोई तितली बैठ गई, छोटे भौर बैठ गया, उन्होंने भी हो सकती, तो इस करके जी है साढ़े को चौथी ऑप्शन भी गलत हो जाएगी। तो साढ़े को जी करैक्ट आंसर है वह वन एंड थर्ड होगा, वन एंड थर्ड, तो ये ऑप्शन जरा साढ़े को सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, अरनवन ने अपने सहपाठियों से अपने अध्यापक न अपने शहर के नेे एक जंगल का दौरा किया, जो जंगल में दाखिल हो रहे सन तो उन्होंने टीचर ने उन्होंने कहा कि जंगल में रौला ना पा ता कि शोर जरा परेशान ना करे, कि वह यदा जो सही करैक्ट आंसर है वह बोथ बर्ड एंड एनीमल, पंछी और जानवर। हूँ तुम कई बार जो जियोलॉजिकल पार्क में जाते हो तो उत्थे साइन बोर्ड लगे होते हैं कि बी साइलेंस, शोर ना मचाओ, वह मतलब यही होंगे कि जो छोटे जानवर ने जा छोटे पंछी ने वो मनुख तो डर ना जा, ठीक है जी। तो यदा जो सही आंसर होगा बोथ बर्ड एंड एनीमल, पंछी और जानवर। नैक्सट असं देखते हैं हेठ दित्तियां विचों केड़ा रुख का नाम नहीं है, तो ये जिहड़ा पोरकोपाइन है ये एक जंगली जानवर का नाम है, ये की एक जंगली जानवर का नाम है। बाकी की ने टीक, साल, कचनारे सारे की ने रुखां के नाम ने, केड़ा रुख का नाम उन्होंने आपां पूछा केड़ा नहीं है, तो पोरकोपाइन एक जंगली जानवर का नाम है, ये याद रखना है जी। नैक्सट, धरती उत्ते समुद्र अते सागर पानी नाल भरे हुए हैं, हालांकि धरती दे मौजूद पानी का बहुत घट प्रतिशत साढ़े लिए उपलब्ध है, ये प्रतिशत लगभग किन्ने प्रसेंट है, 0.006% साढ़े लिए मौजूद है जी, ये ऑप्शन सही हो जूगा। इस तो अगे असं देखते हैं
एक व्यक्ति ने एक जल स्रोत के कोल जमीन की खुदाई करते हुए देखा कि मिट्टी गिली सी। जिवें जिवें डूंगी खुदाई करता रहा, उस पत्थर ते पहुंच गया जिथे मिट्टी के कणा ते चट्टाना दे विचकारले पाड़े ते विचकार सारियां थावां पानी नाल भर गईयां सन। ते इस परत की उपरली सीमा नूं की कहा जाए। हुण कोई जदों मिट्टी की खुदाई कर रहा सी थले उह पत्थर ते पहुंच गया जिथे की सी पानी उहनूं मिल गया, पर उपरली सीमा नूं कहिंदे की कहा जाता है। जिथे पानी मिल जाता उन्होंने की कहा जाता है, भूमि जल सतर जां वाटर टेबल, भूमि जल सतर जां। इस करके बी ऑप्शन है जिहड़ा वो साडे कोल सही हो जाएगा। प्रति व्यक्ति प्रति दिन पीन धोन खाना पकाउण, खाना पकाउण अते सही सफाई लई बनाई रखण लई संयुक्त राष्ट्र द्वारा सिफारिश की गई पानी की घट्टो घट्ट मात्रा की। हुण तुहानूं पता है कि जिहड़ी संयुक्त राष्ट्र यूनाइटेड नेशन ऑर्गनाइजेशन जिक है उहदी संस्था है जिहड़ी समय समय से एनवायरमेंट से भी अपनी रिपोर्टा पेश कर, वो जो असी डिटेल च करांगे तो यूएनओ बारे पढ़ांगे तो कि संस्थावां ने इंस्टीट्यूशन ने जिहड़े एनवायरमेंट से काम कर रहे हैं, तो उन्हां दीआं जिहड़े समय समय से एग्रीमेंट जां सम्मेलन होए ने उन्हां बारे भी आपां गल करांगे। पर इत्थे वो कहिंदा है कि यूएनओ के हिसाब नाल घट्टो घट्ट पानी की मात्रा एक मनुख के प्रति व्यक्ति के हिसाब नाल कपड़ा धोण तो लैके पीण वाले पानी खाना पकाउण ते अपनी साफ सफाई करने लई इन्नी सिफारिश की गई, तो यूएनओ के हिसाब नाल है जी मात्रा है 50 लीटर। इन्ने है जी 50 लीटर। इस करके डी ऑप्शन है जोड़ा वो सही हो जाएगा। इस तो अगे वक् वक् मनुखी गतिविधियां नाल प्रदूषित पानी कई तरह दीआं बीमारियां दा कारण बनता है। हेठ लिखियां विचों किहड़ी पानी नाल होण वाली बीमारी नहीं है, तो हुण जिहड़ी है हैजा, टाइफाइड, पेचिस ते दमा, इन्हां विचों जिहड़ी पानी नाल नहीं प्रदूषित पानी नाल बीमारी नहीं हुंदी ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੀ ਦਮਾ, ਅਸਥਮਾ ਜਿਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ। ਇਹ ਇੱਕ ਆਪਣੇ ਲੰਗਸ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ, ਆਪਣੇ ਫੇਫੜਿਆਂ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਫੇਫੜਿਆਂ ਨੂੰ ਐਲਰਜੀ ਦੇ ਥਰੂ ਇਹ ਬਿਮਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਫੇਫੜੇ ਸੁੰਗੜ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਅਤੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਸਾਨੂੰ ਸਿਗਰਟ ਦਾ ਧੂੰਆਂ ਐਲਰਜੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਅਸਥਮਾ। ਇਹ ਇੱਕ ਦੂਸ਼ਿਤ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ, ਬਾਕੀ ਸਾਰੀਆਂ ਦੂਸ਼ਿਤ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਫੈਲਣ ਵਾਲੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਡਿਜ਼ੀਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਨਿਮਨਲਿਖਤ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜਾ ਸੀਵਰੇਜ ਦੀਆਂ ਅਕਾਰਬਨਿਕ ਅਸ਼ੁੱਧੀਆਂ ਦਾ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਹੈ? ਤਾਂ ਉਹ ਹੈ ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ ਬੱਚਿਓ ਫਾਸਫੇਟਸ। ਫਾਸਫੇਟਸ ਅਕਾਰਬਨਿਕ ਅਸ਼ੁੱਧੀਆਂ ਦਾ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਹੈ ਜੀ। ਬੀ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਹੀ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਹੇਠ ਦਿੱਤਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜਾ ਗੰਦੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਸਰੋਤ ਨਹੀਂ? ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਸੀਵਰੇਜ, ਘਰ, ਉਦਯੋਗ ਤੇ ਹਸਪਤਾਲ। ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਗੰਦਾ ਪਾਣੀ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ, ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਗੰਦਾ ਪਾਣੀ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ, ਉਦਯੋਗਾਂ 'ਚੋਂ ਵੀ ਵੇਸਟ ਪਾਣੀ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਦਾ। ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਹੀ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਪੁੱਛਿਆ ਗੰਦੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਸਰੋਤ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਤਾਂ ਉਹ ਹੈਗਾ ਸੀਵਰ। ਸੀਵਰ ਸਿਸਟਮ ਇੱਕ ਪਾਈਪ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਗੰਦੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਗੰਦੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਦਾ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਹੈ ਸੀਵਰ। ਇਹਦਾ ਸਹੀ ਆਪਸ਼ਨ ਇਹ ਹੋ ਜੂ। ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਇੱਕ ਭਿਖਾਰੀ ਨੇ ਇੱਕ ਠੰਡੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਅਖਬਾਰਾਂ ਦੇ ਕੁਝ ਪਰਤਾਂ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਲਪੇਟ ਲਿਆ। ਉਸਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਗਰਮ ਰੱਖਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਕਿਉਂਕਿ ਅਖਬਾਰ ਦੀਆਂ ਪਰਤਾਂ ਵਿਚਲੀ ਰਗੜ ਗਰਮੀ ਪੈਦਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਅਖਬਾਰ ਦੀਆਂ ਪਰਤਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਫਸੀ ਹੋਈ ਹਵਾ ਗਰਮੀ ਦਾ ਮਾੜਾ ਸੰਚਾਲਕ ਹੈ। ਅਖਬਾਰ ਗਰਮੀ ਦਾ ਸੰਚਾਲਕ ਹੈ, ਅਖਬਾਰ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਤਾਪਮਾਨ ਨਾਲ ਉੱਚ ਤਾਪਮਾਨ ਤੇ ਹੁੰਦਾ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਸਹੀ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਬੀ ਹੋਊਗਾ। ਅਖਬਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਪਰਤਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਫਸੀ ਹੋਈ ਹਵਾ ਹੈ ਉਹ ਬੈਡ ਕੰਡਕਟਰ ਆਫ ਹੀਟ ਹੈ, ਗਰਮੀ ਦਾ ਕੀ ਹੈ ਮਾੜਾ ਸੰਚਾਲਕ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨੂੰ ਗਰਮੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਸਕੀ ਨਾ ਉਹ ਠੰਡ ਤੋਂ ਬਚ ਸਕਿਆ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਕੀ ਹੈ ਬੈਡ ਕੰਡਕਟਰ ਆਫ ਹੀਟ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਬੀ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਹੀ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਰਾਘਵ ਅਤੇ ਵਰਿੰਦਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਦਾ ਤਾਪਮਾਨ ਮਾਪਿਆ। ਵਰਿੰਦਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਤਾਪਮਾਨ 98.6 ਡਿਗਰੀ ਫਾਰਨਹੀਟ ਤੇ ਰਾਘਵ ਨੇ 37 ਡਿਗਰੀ ਦਰਜ ਕੀਤਾ। ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਕਥਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜਾ ਸੱਚ? ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਇਹ ਤਾਂ ਸਿੰਪਲ, ਉਹਨੇ ਨਾਮ ਹੀ ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਬਾਕੀ ਉਹਨੇ ਸਿੰਪਲ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਮਨੁੱਖੀ ਸਰੀਰ ਦਾ ਤਾਪਮਾਨ ਦਿੱਤਾ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਫਾਰਨਹੀਟ ਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ 98.6 ਡਿਗਰੀ ਫਾਰਨਹੀਟ ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ 37 ਡਿਗਰੀ ਸੈਲਸੀਅਸ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਸੈਲਸੀਅਸ ਵਿੱਚ। ਬਸ ਉਹਨੇ ਨਾਮ ਹੀ ਬਦਲੇ ਨੇ, ਬਾਕੀ ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਮਨੁੱਖੀ ਸਰੀਰ ਦਾ ਸਧਾਰਨ ਤਾਪਮਾਨ ਦਿੱਤਾ। ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਸਹੀ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਬਣੂਗਾ ਜੀ ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਸਰੀਰ ਦਾ ਤਾਪਮਾਨ ਸਧਾਰਨ। ਪਰ ਆਪਣੇ ਲਈ ਸਿੱਖਣ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਹੈ ਉਹ ਇਹ ਕਿ ਤਾਪਮਾਨ ਸੈਲਸੀਅਸ ਤੇ ਫਾਰਨਹੀਟ ਵਿੱਚ ਅੰਤਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ। ਫਾਰਨਹੀਟ ਫਾਰਨਹੀਟ ਤੇ ਸੈਲਸੀਅਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਤਰ ਕੀ ਹੈ?
ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਫਾਰਨਹੀਟ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪਾਣੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ 0 ਡਿਗਰੀ ਤੇ ਜੰਮਦਾ ਹੈ। 0 ਡਿਗਰੀ ਤੇ ਕੀ ਹੈ? 0 ਡਿਗਰੀ ਤੇ ਜੰਮਦਾ ਹੈ ਪਾਣੀ। ਉਹ ਕਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ? ਸੈਲਸੀਅਸ। ਤੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਉਬਾਲ ਦਰਜਾ ਕਿੰਨਾ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ? ਉਹ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ 100 ਡਿਗਰੀ ਤੇ ਪਾਣੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਉਬਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਫਾਰਨਹੀਟ ਚ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਫਾਰਨਹੀਟ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਪਾਣੀ ਹੈ ਉਹ ਜੰਮਦਾ 32 ਡਿਗਰੀ। 32 ਡਿਗਰੀ ਫਾਰਨਹੀਟ ਤੇ ਪਾਣੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਪਾਣੀ ਹੈ ਉਹ ਜੰਮਦਾ ਹੈ। ਤੇ 212 ਡਿਗਰੀ ਤੇ ਕੀ ਹੈ? ਉਬਾਲ ਦਰਜਾ ਹੈ ਪਾਣੀ ਦਾ। ਉਬਾਲ ਦਰਜਾ ਉਹ ਫਾਰਨਹੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ? ਫਾਰਨਹੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਫ ਨਾਲ। ਤੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਦੂਜਾ ਡਿਫਰੈਂਸ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਫਾਰਮੂਲਾ ਨਿਕਲਦਾ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੀ ਸੰਖਿਆ ਕੁਛ ਵੀ ਲਿਖੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਸੈਲਸੀਅਸ ਜਾਂ ਫਾਰਨਹੀਟ ਤਾਂ ਫਿਰ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਸਧਾਰਨ ਨੇ ਵੱਧ ਹੈ ਕਿ ਘੱਟ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਫਾਰਮੂਲਾ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸੈਲਸੀਅਸ ਦਿੱਤਾ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਫਾਰਨਹੀਟ 'ਚ ਬਦਲ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਤੇ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਫਾਰਨਹੀਟ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਸੈਲਸੀਅਸ ਬਦਲ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਸੈਲਸੀਅਸ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਬਦਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਸੈਲਸੀਅਸ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਫਾਰਨਹੀਟ 'ਚ ਬਦਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਡਿਗਰੀ ਸੈਲਸੀਅਸ ਮਲਟੀਪਲਾਈ 9/5 ਪਲੱਸ 32 ਡਿਗਰੀ। ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਹੈ ਆਂਸਰ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿਹਦੇ ਵਿੱਚ? ਫਾਰਨਹੀਟ 'ਚ। ਤਾਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਫਾਰਨਹੀਟ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸੈਲਸੀਅਸ 'ਚ ਆਂਸਰ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਜੀ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰੋ? ਡਿਗਰੀ ਫਾਰਨਹੀਟ ਮਾਈਨਸ 32 ਡਿਗਰੀ ਔਰ ਮਲਟੀਪਲਾਈ 5/9 ਕਰ ਦਿਓ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੈ? ਡਿਗਰੀ ਸੈਲਸੀਅਸ ਵਿੱਚ ਆਂਸਰ ਆ ਜਾਊ। ਇਹ ਦੋ ਫਾਰਮੂਲੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਫਾਰਨਹੀਟ ਨੂੰ ਸੈਲਸੀਅਸ 'ਚ ਬਦਲਣਾ ਹੈ ਜਾਂ ਸੈਲਸੀਅਸ ਨੂੰ ਫਾਰਨਹੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਦਲਣਾ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਲਗਾ ਕੇ ਕੱਢ ਸਕਦੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਅਗਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਕੁਤਬ ਮਿਨਾਰ ਦੇ ਨੇੜੇ ਲੋਹੇ ਦਾ ਥੰਮ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿਹੜੇ ਤੱਤਾਂ ਲਈ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੈ? ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ 7 ਮੀਟਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉੱਚਾ ਸੀ, ਇਸਦਾ ਭਾਰ ਲਗਭਗ 6000 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਹੈ, ਇਹ 1600 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਇਹ ਲੰਬੇ ਅਰਸੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਇਸ ਨੂੰ ਜੰਗਾਲ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਰੈਕਟ ਆਂਸਰ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਡੀ, ਇਹ ਲੰਬੇ ਅਰਸੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਜੰਗਾਲ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਗੁਪਤ ਪੀਰੀਅਡ ਦੇ ਟਾਈਮ ਤੋਂ ਇਹ ਸਤੰਭ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਵਿਗਿਆਨੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ, ਪਰ ਇਹਨੂੰ ਜੰਗਾਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਲੱਗਿਆ? ਤਾਂ ਵਿਗਿਆਨੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਸ ਸਤੰਭ ਨੂੰ ਪਿਘਲਾ ਕੇ ਲੋਹੇ ਨੂੰ ਪਿਘਲਾ ਕੇ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਇਹ ਸਤੰਭ, ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਲੋਹੇ ਦੀ ਮਾਤਰਾ, ਜਿਹੜੀ ਆਇਰਨ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹ 98% ਹੈ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ 2% ਅਦਰ ਕੰਟੈਂਟ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ 1% ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫਾਸਫੋਰਸ ਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਾਤਰਾ ਵਰਤੀ ਹੈ, ਫਾਸਫੋਰਸ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਾਤਰਾ ਵਰਤੀ। ਹੁਣ ਫਾਸਫੋਰਸ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਜੰਗ ਰੋਧਕ ਹੈ, ਜੰਗ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਜੰਗਾਲ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣ ਦਿੰਦਾ ਫਾਸਫੋਰਸ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹਦੇ ਜੋ ਫਾਸਫੋਰਸ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਫਾਸਫੋਰਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਮਾਤਰਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ। 5ਵੀਂ ਜਮਾਤ ਦਾ ਇੱਕ EVS ਅਧਿਆਪਕ ਵੱਖ ਵੱਖ ਕਿਸਮਾਂ ਦੇ ਜਾਨਵਰਾਂ ਜਿਵੇਂ ਸੱਪਾਂ ਜਲਥਲੀ ਜੀਵਾਂ ਦਾ ਵੀਡੀਓ ਦਿਖਾਉਂਦਾ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਖਿੱਚਣ ਲਈ ਗਤੀਵਿਧੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਚੀਜ਼ ਕਿਹੜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਢੁਕਵੀਂ ਹੈ? ਖਾਣ ਪੀਣ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਿਖਾਓ, ਜਾਨਵਰਾਂ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਹਿਣ ਸਹਿਣ ਵਿੱਚ ਭਿੰਨਤਾ ਵੇਖੋ, ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੇ ਨਾਂ, ਜਾਨਵਰਾਂ ਦਾ ਮਤਲਬ। ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਰੈਕਟ ਆਂਸਰ ਬਣੂਗਾ ਉਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬੀ ਆਂਸਰ ਬਣੂ, ਜਾਨਵਰਾਂ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਹਿਣ ਸਹਿਣ 'ਚ ਭਿੰਨਤਾ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਬਾਇਓਡਾਇਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜੈਵ ਭਿੰਨਤਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸੱਪਾਂ ਅਤੇ ਜਲਥਲਾਂ ਦੇ ਜੀਵਾਂ ਦਾ ਵੀਡੀਓ ਦਿਖਾਉਣਾ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਬੱਚੇ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਇਹੀ ਡਿਫਰੈਂਸ ਪੈਦਾ ਦੱਸਣ ਲਈ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਨਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਧਰਤੀ ਦੇ ਜੀਵ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰਹਿਣ ਸਹਿਣ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਜਿਹੜੇ ਪਾਣੀ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੀਵ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਜੰਗਲਾਂ 'ਚ ਜੰਗਲੀ ਜਾਨਵਰ ਪਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰਹਿਣ ਸਹਿਣ ਕਿਸ ਟਾਈਪ ਦਾ, ਕੋਈ ਗੁਫਾ 'ਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਆਪਦੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਤਲਬ ਕਿ ਆਪਦਾ ਇੱਕ ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਘਰ ਜਿਹਾ ਬਣਾ ਕੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਹਿਣ ਸਹਿਣ 'ਚ ਤਬਦੀਲੀ ਦੇਖੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਜਾਨਵਰਾਂ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਹਿਣ ਸਹਿਣ ਵਿੱਚ ਭਿੰਨਤਾ ਨੂੰ ਦੇਖੋ, ਵੀਡੀਓ ਦਿਖਾਉਣ। ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ, EVS ਅਧਿਆਪਕ ਦੁਆਰਾ ਗਰਮੀਆਂ ਦੇ ਮੌਸਮ ਵਿੱਚ ਜੈਸਲਮੇਰ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰਨ ਲਈ
स्कूल यात्रा का आयोजन किया गया। विद्यार्थियों को खेतों में जाया जाता है जितने मीह का पानी संभाल की जाती है, उन्होंने मीह के पानी की संभाल पर केस स्टडी रिपोर्ट तैयार करने लिए कहा जाता है। अजी यात्रा उद्देश है विद्यार्थियों को समझाओ कि मनुखी दिमाग उन्होंने समस्यावान भी हल कर सकता है जितने जो कुदरत द्वारा हल नहीं किया। दूजी ऑप्शन अजिंह गतिविधियां ना सिर्फ विद्यार्थियों क्लास तो बाहर समा बिताने मदद करदियां ने सगो उन्होंने पानी की संभाल सीखने भी मदद करदियां ने। पंजवां तीसरा पांच अध्याय लिखना सीखने विद्यार्थियों की मदद कर। हुण जिहड़े इस तरह के क्वेश्चन बहुत सारे पाए गए ये सी ईवीएस पैडागोजी के क्वेश्चन। वैसे मैं तुहानू करवा दिना मेन मेन, पर जदों असी ईवीएस पैडागोजी मैथ पैडागोजी जां पंजाबी पैडागोजी जां सीडीपी करांगे वो आपां इक इकट्ठे टॉपिक वाइज करांगे तां वो तुहानू पैडागोजी ईवीएस की अलग करवा दी जाऊगी। पर मैं तुहानू दस दिना इत्थे जिहड़े विद्यार्थियों नूं कहिंदे ने समझाउणा कि मनुखी दिमाग उन तुसीं देखो जैसलमेर दा दौरा कीता, हुण जैसलमेर कि जगह है भारत का सब तो जो गर्म स्थान है जैसलमेर। हुण जिहड़ा राजस्थान में तुहानू ये भी पता है कि रेगिस्तान पाया जाता है, राजस्थान दे विच की पानी नहीं रेगिस्तान दे विच, पर कि मनुखी काढ़ा ने कि मनुखी दिमाग ने नहरा राही उत्थे पानी नहीं पहुंचाया, पानी पहुंचाया है ना। इस करके पहला ऑप्शन साढ़े को सही है। विद्यार्थियों को समझाओ कि मनुखी दिमाग उन्होंने समस्यावान भी हल कर सकता है जेडे कुदरत द्वारा हल नहीं दिते गए और मनुख ने किते भी नहीं हल। दूसरा अजिहियां गतिविधियां नाल विद्यार्थी नूं क्लास तो बाहर समा बिताउण च मदद नहीं कल्ली मिलती, नाल दे नाल उन्हां नूं जदों रेगिस्तान दे एरिया नूं देखदे आं तां असीं पानी दी सांभ संभाल वल इक साडे जदों मनुख दे अंदर ऑब्जरवेशन इक अपने आप ऑब्जर्व कर लैंदा है कि देखो उन्हां लोकां दा की हाल है जिथे पानी नहीं, तां सानूं भी पानी दी की है बचत करनी चाहिए, पानी दी की है बचत करनी चाहिए। तां दूसरा ऑप्शन भी साडे कोल सही है, तीसरा साडे कोल गलत हो जूगा। तीसरा ऑप्शन है जिहड़ा साडे कोल गलत है, पहला ते दूजा बी आंसर है जिहड़ा उह सही होगा। इस तों अगे एक ईवीएस अध्यापक अपनी क्लास में समूह गतिविधि को डिजाइन करते समय हेठ दिए विचारों में कितनी गल्लां का ध्यान रखे, ये भी एक ईवीएस पैडागोजी का क्वेश्चन पाया गया था जिदे विच वो कहता बच्चों के हितों को शामिल करना, लड़की और लड़कियों को बराबर की अपील करना, महंगी समग्री की वरतों करना, सारे धार्मिक और सभ्याचारक पिछोकड़ वाले बच्चों को अपील करना, तो ये जिहड़ा तीजा ऑप्शन नहीं होगा, बाकी पहला दूजा तो चौथा सही हो जाएंगे। पहला दूजा तो चौथा ए ऑप्शन है जिहड़ा वो सही हो जाएगा। महंगी समग्री तो जरूरी नहीं कि महंगी समग्री वरते, सस्ती समग्री भी वरत्या जा सकता है। एनसीटी 2005 ने क्लास वन और टू लिए भी एक पैडागोजी इनवायरमेंट पैडागोजी का क्वेश्चन सीगा, निर्धारित पाठक्रम और पाठपुस्तक की सिफारिश नहीं की थी, इसका मुढ़ला कारण सी कि प्रसंगिक वातावरण प्रदान करने लिए, तो इसका सी ऑप्शन है जिहड़ा वो सही हो जाएगा, प्रसंगिक वातावरण तैयार कर। अगला क्वेश्चन है पहला स्कूल है जिथे बच्चे अपनी शुरुआती शिक्षा शुरू करते हैं, तो पहला स्कूल जिहड़ा बच्चों का है वह बच्चे का परिवार होंगे जिथे बच्चे अपनी शुरुआती शिक्षा शुरू करते हैं, बच्चे का परिवार है जिहड़ा पहला स्कूल होंगे शुरुआती शिक्षा जिथे बच्चा अपनी शुरू करता है। हाँ इस तो अगे साडे कोल एक ईवीएस पैडागोजी का क्वेश्चन है जी, जिदा मैं तुम्हें आंसर दस देना, पूरी एक्सप्लेनेशन से तो बहुत टाइम लग जूगा, जो असं पैडागोजी कर रहे होवे तो सारा डिटेल न समझाया जाए, तो यह जो आंसर है वह बी आंसर आऊगा जी। पहले का कहता है एक घर एक फॉर्मेटिव जो ऑनलाइन है मुलांकन टूल है वह कि मुलांकन मड्यूल, और बी का चौथा है जी संखेप ऑनलाइन मुलांकन टूल है जोड़ा वो जोड़े को हफ्तावार क्विज है जी, और फॉर्मेटिव ऑफलाइन रिपोर्ट है जी हफ्तावार इस बार टेस्ट क्विज है, तो जोड़ा लास्ट है साढ़े को संखेप ऑफलाइन मुलांकन टूल है जोड़ा वो साढ़े को जोड़ा वह थर्ड है जी स्वय मुलांकन मड्यूल, तो इस करके साढ़े को बी ऑप्शन है जी वो सही हो जाए। इस तो अगे असं जो गल करते हैं असरशन तो रीजन का क्वेश्चन है, जो देखते हैं कि ज्यादातर के पद्धर से अध्यापक कुछ भी नहीं है पर विषय में रट के सीखना होंगे है, तो कारण यह दिता गया प्रतिबिंब पद्धर के विरोध ज्यादातर का पद्धर बहुत ज्यादा विचार विचाले होंगे है, तो ये ए बी है दोनों सही होंगे, ए ऑप्शन है जोड़ा साढ़े को सही हो। नैक्सट अगे असं जो देखते हैं
ਤਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦੀ ਕਲਾਸ ਵਾਲਾ ਅਧਿਆਪਕ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਗਤੀਵਿਧੀ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਗਿਆਨ ਇੰਦਰੀਆਂ ਦੀ ਅਧਿਕਤਮ ਸੰਖਿਆ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਸਿੱਖਣ 'ਚ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਉਦੇਸ਼ ਦੀ ਲਈ ਉਸਨੂੰ ਯੋਗ ਗਤੀਵਿਧੀ ਕਿਹੜੀ ਹੋਵੇਗੀ? ਤਾਂ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕੁਝ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਸਥਾਨਾਂ ਲਈ ਖੇਤਰੀ ਦੌਰੇ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕੀਤਾ ਜਾ, ਇਹਦਾ ਸਹੀ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਏ ਹੋਊਗਾ। ਹੁਣ ਗਿਆਨ ਇੰਦਰੀਆਂ ਦੀ ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਮਨੁੱਖ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਿੱਖਣ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ, ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਸੁਣ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਟੇਸਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਸਵਾਦ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਛੂ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਨੁੱਖ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਗਿਆਨ ਇੰਦਰੀਆਂ ਦਾ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਆਬਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਸਹੀ ਕੁਝ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਸਥਾਨਾਂ ਲਈ ਖੇਤਰੀ ਦੌਰੇ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕਰਨਾ ਹੀ ਉਹਦੇ ਲਈ ਬੈਸਟ ਹੋਊਗਾ। ਨੈਕਸਟ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ICT ਦੁਆਰਾ ਪਹਾੜਾਂ ਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਬਾਰੇ ਸਿੱਖਣ ਵਿੱਚ ਹੇਠ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਕਿਹੜਾ ਵਧੇਰੇ ਸਹਾਇਕ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਤੋ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧੇਰੇ ਸਹਾਇਕ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਉਹ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਮਾਜੀਕਰਨ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੇ, ਸੋਸ਼ਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਭਾਈਚਾਰਾ, ਪਰਿਵਾਰ, ਸਮਾਨ ਸਮੂਹ, ਰਸਮੀ ਵਿਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ, ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਬੀ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸਹੀ ਹੈ ਜੀ, 1, 2, 3 and 4th, ਚਾਰੋ ਆਪਸ਼ਨ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਹੀ ਨੇ, ਸਾਰੀਆਂ ਸਮਾਜੀਕਰਨ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ। ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ EVS ਪੈਡਾਗੋਜੀ ਦਾ ਕੁਸ਼ਚਨ ਹੈ, ਇੱਕ ਅਧਿਆਪਕ ਕੁਝ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਉਪਚਾਰਕ ਕਲਾਸਾਂ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਇਰਾਦਾ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਤਸੱਲੀ ਬਖਸ਼ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਹ ਉਪਚਾਰਕ ਕਲਾਸਾਂ ਲਈ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰੇਗਾ? ਉਹ ਕਰੇਗਾ ਡਾਇਗਨੋਸਟਿਕ ਮੈਥਡ। ਡਾਇਗਨੋਸਟਿਕ ਮੈਥਡ ਉਹ ਮੈਥਡ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹਦੇ ਰਾਹੀਂ ਬੱਚੇ ਦਾ IQ ਲੈਵਲ ਚੈੱਕ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਰਾਹੀਂ ਬੱਚੇ ਦਾ IQ ਲੈਵਲ ਚੈੱਕ ਕਰਕੇ ਟੈਸਟ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਨੂੰ ਡਾਇਗਨੋਸਟਿਕ ਮੈਥਡ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਬੀ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਹੀ ਹੋ ਜਾਊ। ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਲਾਸਟ ਕੁਸ਼ਚਨ ਹੈ, ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਲੋੜਾਂ ਵਾਲੇ ਜਾਂ ਬਿਨਾਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਲੋੜਾਂ ਵਾਲੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਧਿਆਨ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੀ ਉਪਚਾਰਕ ਸਿੱਖਿਆ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ? ਉਪਚਾਰਕ ਸਿੱਖਿਆ।